आखिर कहां गए थे शहनाज गर्ल और रीटा आंटी? जी हां, ये दोनों कहां गए थे ये बात सभी के मन में है। कहा जा रहा था कि रीटा शुक्ला जो कि सिद्धार्थ और शहनाज गर्ल की माँ है और शहनाज गर्ल लोखंडवाला में स्पॉट की गई थी सिद्धार्थ शुक्ला के एक खास दोस्त के साथ। उसके बाद सबके मन में यही सवाल था, बात चल रही थी और सबने मतलब जो उनके फैन पेज हैं उन्होंने यही कहा था कि वो ब्रह्म कुमारीज में गई थी क्योंकि रीटा शुक्ला ब्रह्म कुमारीज में बहुत आस्था रखती है और शहनाज गर्ल को इस वक्त थोड़ी शांति की बहुत जरूरत है। लेकिन अब लोखंडवाला के ब्रह्म कुमारीज ने इस बारे में एक पोस्ट साझा की है। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है फेक न्यूज पर भरोसा ना करें। जी हाँ, यहाँ पर किसी के नाम को मेंशन नहीं किया गया है, किसी को इंडिकेट नहीं किया है, लेकिन साफ तौर पर जाहिर होता है कि शहनाज और रीटा शुक्ला ने अगर किसी बात को लेकर बात नहीं कही है कि वो कहाँ गए थे, कैसे गए थे, तो इसका मतलब ये है कि हमें उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए, उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए। और वैसे भी ब्रह्म कुमारी के लोखंडवाला ने ये अपनी पोस्ट में साझा किया है कि वो लोग किसी भी तरीके की फेक न्यूज पर भरोसा ना करें। शहनाज गिल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है रिकवर करने की और इसमें बखूबी साथ निभा रही हैं उनकी माँ रीटा शुक्ला। जी हाँ, शहनाज गिल रीटा शुक्ला जी के काफी ज्यादा करीब हैं और फैंस उन्हें अब रीटा आंटी बुलाते हैं बड़े ही प्यार से। शहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला है, शहनाज गिल सिद्धनाज है और फैंस उन्हें ही सारा प्यार दे रहे हैं। और इस तरह से शहनाज गिल और रीटा शुक्ला जी ने अगर कोई बात क्लियर नहीं की है कि कहां गए, क्योंकि ये काफी नॉर्मल है अगर वो लोग अक्सर ही एक साथ दिखे हैं और अब भविष्य में साथ दिखेंगे भी, क्योंकि साथ रहते हैं और साथ में रहना बार बार मिसपॉट होना ये नॉर्मल है। इसी तरह से हर एक अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।